सोमवारी नागपुरात टीव्हीएस अपाचे तर्फे आरटीआर 310 लॉन्च करण्यात आले. बाईकसाठी अपाचे आरटीआर 310 ही स्पीड आणि सर्वगुण संपन्न अशी बाईक म्हटली जात आहे. या बाईकचे फीचर्स काय आहे हे जाणून घेतले आहे व्हीकेबी न्यूजचे संपादक मुकेश हेडाऊ यांनी. रफ्तार के शौकीनों के लिए खुश खबर है कि रफ्तार के शौकीनों के लिए टीवीएस अपाचे ने आरटीआर 310 को लॉन्च किया. अभी इसकी लॉन्चिंग हुई है और बहुत शानदार तरीके से ये बाइक को बनाया गया है, मॉडिफाइड किया गया और सारे फीचर इसमें डाले गए हैं. इसकी जानकारी की देने के लिए हमारे साथ टीवीएस अपाचे के टीवीएस के विमल जी हैं. आइए बात करते हैं उनसे. सर, आरटीआर 310 लॉन्च किया गया है, क्या कहें? बड़ी खुशी हुई हमको आज ये मोटरसाइकिल लॉन्च करते हुए, क्योंकि बहुत सालों से 310 का जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमारी आरआर 310 जो एकदम रेसिंग स्पोर्ट्स सेगमेंट की गाड़ी थी उस पर एक नेकेड वर्जन बहुत सारी डिमांड थी कस्टमर्स की. बड़ी अच्छी खुशी हो रही है आपके दर्शकों के साथ आज ये लॉन्च करते हुए. आज हमारी पहली नेकेड स्पोर्ट्स 310 cc प्लेटफॉर्म पर गाड़ी है और इसमें हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी हैं. पावर टॉक के अलावा अगर आप देखेंगे तो एक में 5 इंच का TFT स्क्रीन दिया ताकि आप अपने सब जानकारी जो आपके गाड़ी के बारे में, आपका स्पीड कैसा है, आपका राइडिंग मोड कौन सा है और आपको अगर आपके फ़ोन को कनेक्ट करना है उसका कनेक्शन देख सकते हैं. उसके अलावा इसमें हमने डायनेमिक LED हेडलैम्प दिया है, डायनेमिक LED टेल लैम्प दिया है. ये दो चीज़ें जो दी हैं, डायनेमिक LED हेडलैम्प और टेल लैम्प, इसके कारण आपकी सेफ्टी के माध्यम से आपकी विजिबिलिटी जो रात में होती है, आप रात में लेट नाइट गाड़ी चलाते हैं तो आप जितनी स्पीड से जा रहे हो उतना ही हेडलैम्प की जो लाइट थ्रो करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है. दूसरा इसमें हमने जो इंट्रोड्यूस किया है वो क्विक शिफ्टर है, बाई डायरेक्शनल है, तो आप ट्रैफिक में एकदम अटक गए तो एकदम क्विकली शिफ्ट कर सकते हो. तो आप एंजॉय करोगे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चलाना. फिर RTDSC की टेक्नोलॉजी जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया जिसका कि 6 डायरेक्शनल IMU है, तो आपको क्रूज़ कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें आपके वो एडजस्ट करता है. तो आप इन अ वे आपकी गाड़ी आपको बताती है कि ये मत करो और ये करो. तो उसके अलावा आप देखेंगे तो हमने इसमें जो हॉट एंड कोल्ड सीट दी है, जो कि आपका जैसे आप गर्मी में चलाते हैं तो एकदम हॉट हो जाती सीट, अब तो 15 डिग्री आप इसको कम कर सकते हैं, तो हॉट एंड कोल्ड सीट है. तो फुल्ली लोडेड मोटरसाइकिल है, एकदम फ्री स्टाइलर है, तो आप इस पर अपने मोटरसाइकिल को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं. इसका डिज़ाइन भी एकदम साइबॉर्ग टाइप है, एकदम मॉडर्न है और इसके जो गाड़ी चलाने की जो आपको पोजिशनिंग होती है, कम्फर्ट होता है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको. रफ्तार तो ठीक है, रफ्तार हर किसी को पसंद है, लेकिन सेफ्टी की अगर बात की जाएगी, क्योंकि दुर्घटनाएं देखी जाती है, काफ़ी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है, घर वाले अगर किसी बच्चे को अगर इतनी महंगी बाइक, इतनी रफ्तार वाली बाइक 310 की बाइक खरीद के दे रहे हैं, तो उनके सेफ्टी प्रिकॉशन को देखते हुए TVS अपाची ने क्या? देखिए, एक तो चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, सेफ्टी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हमारी हमेशा हर कस्टमर से यही कहा जाता है कि आप सेफली चलाइए, आप प्रॉपर राइडिंग गियर चलाइए, आप हेलमेट प्रॉपर पहनिए और अपनी राइडिंग लाइसेंस लेने के बाद ही गाड़ी चलाइए. तो हमारा पहले दिन से ही फोकस रहा है. दूसरा, इस गाड़ी में आपको जो हमने टेक्नोलॉजी की बात की, RTDSC की बात की, या हमने हेडलैम्प डायनेमिक LED हेडलैम्प की बात की, या हमने इसका पावर टू वेट रेशो की बात की, तो उस माध्यम से ये एक सेफ गाड़ी है. आपके पास सेफ्टी भी है और आपके पास परफॉर्मेंस भी है, पर साथ साथ में गाड़ी को रिस्पॉन्सिबली आपको चलाना, आपको रोड पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए. अगर आपको कुछ गाड़ी के साथ करना है, कुछ फन करना है, तो आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप इसको गाड़ी के साथ आपको जैसे स्टंट करना है तो एक क्लोज एनवायरनमेंट में कर सकते हैं. आप रोड पे मत करिए, आप किसी की जान जोखिम में मत जाइए, हमारा हमेशा इस पर फोकस रहता है. रोड सेफ्टी की तो बात हो गई, लेकिन भारतीय सड़कों के हिसाब से कितनी यूजफुल है ये? अगर देखा जाएगा तो बहुत सीमेंट की सड़कें अभी बनने लग गई है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है. नागपुर का देखो या फिर मेट्रो सिटीज़ का देखो, लेकिन बाकी जगह पे अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो उस पॉइंट ऑफ मेजर के हिसाब से ये गाड़ी इंडियन रोड्स पे भी आपने सही बताया कि अभी द क्वालिटी ऑफ रोड मच बेटर है. तो गाड़ियाँ जब हम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो ये सोच के ही डिज़ाइन करते हैं कि ख़राब रास्ता, सही रास्ता, अच्छा रास्ते को गाड़ी कंफर्टेबली राइडर को लेके जा सके. तो सस्पेंशन के मामले में, टॉक के मामले में और ब्रेकिंग के मामले में गाड़ी पूरी लोडेड है.
एक सवाल ऐसा भी आता है कि अभी इको फ्रेंडली बजट के हिसाब से गाड़ियाँ आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे, कुछ पेट्रोल के विकल्प आ रहे, डीजल के विकल्प आ रहे, इस बीच इको फ्रेंडली नेचर के हिसाब से भी गाड़ियाँ चलाई जा रही है, उसके बीच में पेट्रोल की गाड़ी किस तरह से कॉम्पीट करेगी आपको ऐसा? देखिए, ये जो सेगमेंट है आइस का और ईवी का कम्प्लीटली डिफरेंट है, और ईवी तो फ्यूचर है ही, तो हमारी भी गाड़ियाँ उस सेगमेंट में है, जैसे आई क्यूब हो गया, टी वी एस एक्स हो गया, तो उस पर उस कस्टमर के लिए हमने गाड़ी बनाई। ये उस कस्टमर को जिसको कि आइस चाहिए, उसको गाड़ी में अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो वो हमने उसको इस प्रोडक्ट में दे दी हैं। और जो ईवी का कस्टमर है उसके लिए हमारे पास आई क्यूब है, उसके लिए हमारे पास टी वी एस एक्स है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। अंतिम सवाल, बुक किस तरह से कर सकता है और क्या रेंज है इसकी? देखिए, आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डिलीवरी आपको डीलरशिप पे मिलेगी, या तो आप डीलरशिप पे जाइए, टेस्ट राइड करिए, अपने आपको संतुष्टि करिए, बुकिंग अमाउंट दीजिए और आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। कितने खुश है कि अपाची का उस आपने सिनेरियो बताया, 1978 से बताया सारी चीज़ों को देखते हुए, और आज जब इस क्लास में गाड़ी पहुंच गई, कितने खुश है? बहुत ही खुशी है, क्योंकि हमारी खुशी तब होती है जब कस्टमर खुश रहे, क्योंकि हम गाड़ी बनाते ही कस्टमर के लिए हैं, तो इसलिए हमारे को बड़ी खुशी है कि हम हमारी जो कस्टमर को नेकेड स्पोर्ट्स पे 310 सीसी की गाड़ी टीवीएस की उम्मीद थी, वो आज हमने लॉन्च की है, तो हमारे को तो यही उम्मीद है कि इसका अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए महाराष्ट्र से भी। थैंक यू सो मच। और जिसकी जानकारी दे रहे थे विमल जी, जो पूरी तरह से फुली लोडेड गाड़ी है, स्पोर्ट्स बाइक है, एक तरह से देखा गया तो कॉस्ट में 2,63,000 के आसपास इससे आप बुक करवा सकते हैं। थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन रफ्तार के शौकीनों के लिए इसे कहेंगे एक सौगात है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश शेड़ो, वीकेबी न्यूज़, नागपुर।